स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो स्टूडेंट, मैं अपने आज के इस सेशन में आपके लिए लाई हूँ क्लास फर्स्ट हिंदी रिमझिम का चैप्टर नंबर 13 यानी पाठ 13, जिसका नाम है बंदर गया खेत में भात। तो बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। आइए हम सब इस कविता को पढ़ते। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सुपर खाया खूब, पूछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, छडट कर सोई बंदर भूप। तो बच्चों, अब इस कविता की जो अर्थ है वो हम आपको बताएंगे। तो एक बार एक बंदर खेत में गया और वहां पर उसने चुट्टर मुट्टर करके साग को तोड़ा और उसने आग को जलाकर चट्टर मट्टर उसने आग को जलाया और साग को खद्दर बद्दर करके उस पर पका दिया। फिर उसने खूब सापड़ सुपर करके खूब पेट भरकर उसने साग को खाया और फिर दूब, एक घास होती है, उसी दूब घास को उखाड़ करके बंदर ने अपने मुंह को पोंछा। फिर उसने चलनी बिछाया और सूप को ओढ़ा, यानी चलनी को बिस्तर की तरह बिछा करके। सूप चलनी होता है, जो हमारे घर में आटा चालने वाली छन्नी होती है उसे चलनी बोलते हैं। तो उसे ही बंदर ने बिछाया और सूप जो है वो बांस की बनी होती है, चावल दाल गेहूं इत्यादि साफ करने के लिए। तो उसी सूप को जो है बंदर ओढ़ करके खूब डट कर, यानी बिल्कुल राजा की तरह, फूक मतलब होता है राजा, तो बिल्कुल राजा की तरह डट करके मतलब फूक जो है बंदर सोया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। तो देखिए, एक्सरसाइज में है क्या बिछाया क्या ओढ़ा। तो बंदर चलनी बिछा कर सूप ओढ़ कर सो गया। तो ये आप पढ़े थे ना कहानी में, तो अब सॉरी कविता में, तो लिखो ये कैसे सोएंगे। तो हाथी क्या बिछाएगा क्या ओढ़ेगा, तो हाथी बहुत सारी पत्तियां बिछाएगा और केले का पत्ता ओढ़ेगा। चींटी घास या पत्ता बिछाएगी और पत्ता ओढ़ के सोएगी, और गिलहरी पत्ता बिछाएगी और पत्ता ओढ़ेगी भी, और शेर घास या फूस बिछाएगा और केले का पत्ता ओढ़कर सोएगी। नेक्स्ट है झटपट झटपट खटपट खटपट, तो बंदर ने साग कैसे पकाया खद्दर बद्दर, और उसी तरह से अब हम इस कविता को आगे बढ़ाएंगे। तो खाया सबने झटपट झटपट, पानी पिया सिप 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 सिप, और मारे खर्राटे, तो खर्राटे की आवाज कैसी होती है, खर खर ना बच्चों, खर खर। और गिरे पलंग से, जब कोई पलंग से गिरता है तो कैसी आवाज आती है, धड़ाम धड़ाम की ना। तो उसी तरह जब हम लोग खाना खाते हैं जल्दी जल्दी, तो झटपट करके, और पानी सिप सिप की आवाज करके पीते हैं, खर्राटे खर खर मारते हैं, और पलंग से जब गिरते तो आवाज आती है धड़ाम। अब नेक्स्ट है भागो भागो भागो, तो बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। तो कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है, तो इसका आंसर होगा शरारत करने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद, झूठ बोलकर पकड़े जाने पर, जब घर में कुछ गलती से हमसे टूट जाता है तब भागना पड़ता है, और चोरी करते समय पकड़े जाने पर। सबको भागना पड़ता है ना बच्चों। देखिए नेक्स्ट है, इसमें कितनी तरह की टोपियां और पगड़ियां हैं बताओ। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें 1 2 3, ये 3 प्रकार की जो टोपियां हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तरह की पगड़ियां हैं। ओके, थैंक यू। तो बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।